सिंगरौली में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए यह घिनौना कदम उठाया। सुपेला देवसर निवासी अखिलेश पाठक नामक युवक का उमा निधि पाठक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवक ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए उस पर केरोसिन डालकर जला दिया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर जब थाना प्रभारी अरुण सिंह खंडाते द्वारा सख्ती के साथ पूछताछ की गई, तब आरोपी अखिलेश ने सारी बात बताई। बताया जा रहा है कि अखिलेश पाठक के इस प्रेम प्रसंग की खबर उसकी पत्नी को लग गई थी, जिसको लेकर उसका पत्नी के साथ रोज विवाद होता था और इसी के चलते पति ने यह घिनौना कदम उठाया। फिलहाल आरोपी अखिलेश पाठक व उसकी प्रेमिका उमा निधि पाठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ग्राम सुपेला थाना जियावन में एक पति ने अपनी पत्नी को हत्या कर दी। उसका प्रेम संबंध किसी अन्य महिला से था और प्रेमिका के उस्काने में अपने घर में रात्रि में उसका मारपीट किया और गिरने के बाद उसका गला दबा खत्म कर दिया और उसको साक्ष्य नष्ट करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी का तेल और एसिड डाल के आग लगा दिया। जांच में पाया गया है पीएम रिपोर्ट पे कि महिला को एंटीमार्टम चोटें हैं और गला घोट के मृत्यु हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।